तो दोस्तों, आज की दुनिया में फ्लेक्सिबिलिटी कौन नहीं चाहता। आप भी सोचते होंगे कि मेरी हर चीज़ हो फ्लेक्सिबल, या पर आप सोचते होंगे कि मेरा मोबाइल हो कुछ इस तरह का फ्लेक्सिबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्यूरेबल के फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बताऊंगा आपको कि फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और क्या अपडेट चल रही है अभी मार्केट में फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स गो ड्यूरेबल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स होते क्या हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक आइडिया ये निकल के आता है कि हम अभी तक जो भी सर्किट्स प्रिंट करते आते थे वो हम करते थे किसी सॉलिड सब्सटेंस पे, पर यहाँ पर अब हम उन्हें प्रिंट करना चाहते हैं कुछ ऐसे फ्लेक्सिबल सब्सटेंसेस पे जिसके बाद में उनको हम किसी भी साइज़ में या फिर किसी भी शेप में रोल कर सकें, जैसे कि मेरी ये टी शर्ट या फिर प्लास्टिक की कोई शीट। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन फ्लेक्सिबल सर्किट्स की जो मटेरियल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर जो पहला जो मटेरियल होगा वो आपका होगा जो आपका बेस मटेरियल है, जिसके आप मतलब जिसके ऊपर आप उस सर्किट को प्रिंट करना चाहते हैं। पहला मटेरियल जो होगा वो आपका होगा बेस मटेरियल। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरा मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा वो होगी मेटल फॉइल। मेटल फॉइल जो है आपके कंडक्शन के लिए काम आएगी। यहाँ पर आपको एक कंडक्टर तो चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट को कम्प्लीट कर सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगली रिक्वायरमेंट जो होगी वो होगी बॉन्डिंग एडहेसिव की। बॉन्डिंग एडहेसिव एक ऐसा मटेरियल होगा जो कि कनेक्ट करेगा आपके बेस मटेरियल को और आपके जो मेटल फॉइल है उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनाएगा, बॉन्डिंग एडहेसिव। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अभी तक सैमसंग, एप्पल या फिर किसी ने अभी तक अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स या फिर अपनी फ्लेक्सिबल टीवीज़ क्यों नहीं लॉन्च करी है। तो यहाँ पर एक बड़ा रीज़न ये निकल के आता है कि यहाँ पर जो इसकी कॉस्टिंग जो आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी कुछ ही दिनों पहले एक रिसर्च हुई है, यहाँ पर जो नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग जो अभी तक जो कॉस्ट निकल के आ रही थी फ्लेक्सिबल सर्किट्स की वो अब हो जाएगी कम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रो हाइड्रोडाइनेमिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपने प्रिंटेड सर्किट को प्रिंट कराया है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रो हाइड्रोडाइनेमिक टेक्नोलॉजी का मेन मोटिव यह है कि यहाँ पर ये मोल्टन मेटल एलॉयस को यूज़ करेंगे बिना किसी इंक के। यहाँ पर जो हम प्रिंट करने के लिए जो इंक यूज़ करते हैं उसके बजाय ये अब मोल्टन मेटल एलॉयस को यूज़ करने वाले हैं। तो इससे इनका कहना है कि ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के मामले में। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपने मोल्टन मेटल एलॉयस को यूज़ करा है बिना किसी इंक के। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ 3 डिफरेंट एलॉयज पे इसको ट्राई करा और यहाँ पर इन्होंने इसे प्रिंट करा पेपर पे, प्लास्टिक पे और 2 स्ट्रेचेबल पॉलीमर्स पे, जहाँ पर इसे काफ़ी सक्सेस मिला। यहाँ पर इन्होंने 1000 टाइम्स बेंड करने के बाद भी इन्हें यहाँ पर सर्किट में कोई भी लॉस नहीं दिखाई दिया। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक वीडियो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और देखते हैं कि कब तक हमें ऐसी टीवी मिलती है कि जिसे हम रोल करके ले जाए अपने बैग में और कहीं और जाके लगा ले। तो अब ये दिन भी दूर नहीं है कि जहाँ पर हम ये काम भी कर पाएंगे टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।